सब्जेक्टिव शीट नंबर 13 होमवर्क दिया दिया था और इस बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों ने किया किया एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ मैं इसे एक एक पार्ट ताकि आइडिया हो जाए। देखो इसमें एक्स टी ग्राफ गिवन है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तीन कार्स का गिवन है, ए बी एंड सी, ये तीन गाड़ियों का गिवन है। विच कार हैज़ द हाईएस्ट स्पीड एंड विच हैज़ लोएस्ट। तो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, वेलोसिटी। तो आप इसमें क्या करें, स्लोप निकाल दें। जैसे सी की स्लोप निकालनी है तो ये ट्राइंगल ले लें, टेन थीटा निकाल दें, परपेंडिकुलर बाई बेस वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही ए ग्राफ की स्लोप निकाल दें, ऐसे ही सी ग्राफ की स्लोप निकाल दें, तीनों का टेन थीटा स्लोप निकाल दें। जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा आएगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी स्लोप कम होगी उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो अगर आप यहाँ स्लोप्स कैलकुलेट करें तो सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है एंड ए की वेलोसिटी सबसे लोएस्ट है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मुझे पता कितने लोगों ने ऐसे किया, ऐसे किया आपने? हाँ, मैंने भी, मैं ये कहने लगा था कि सी की अगर ये सड़क होती, चढ़ाई सबसे ज़्यादा सी की होती, स्लोप सबसे ज़्यादा सी की है, पेन को भी हाथ क्यों लगाना, सी सबसे हाईएस्ट है और बी थोड़ा कम है, ए थोड़ा नीचे को हो गया, तो ए लोएस्ट है, सी हाईएस्ट है, डन हो गया, ऑब्जेक्टिव आना है ठीक। आर द थ्री कार्स एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। देखो सेम पॉइंट का लॉजिक क्या रहता है, कैसे चेक करते हो सेम पॉइंट है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन से क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन से ये हो रहा है कि अगर जो इंटरसेक्शन है, सेम पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू सेम है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है तो यानी कि डिस्टेंस बराबर है उन सबका, डिस्टेंस बराबर है, वो सेम पॉइंट पे है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि सी और ए सेम पॉइंट पे है पर बी इनके साथ सेम पॉइंट पे नहीं है। तीनों अगर एक्स टी ग्राफ ए की पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे होते तो एक्स सेम होता, तो हाँ ये सेम पॉइंट पे होते, बात खत्म है ठीक है यहाँ तक। तो ये सेम पॉइंट पे नहीं है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन ए पासिस सी, जब ए सी को क्रॉस कर रहा है, वेयर इज बी। तो जब ए सी को क्रॉस कर रहा है, जब ए सी को क्रॉस कर रहा है तो ये वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इस समय पे 0.06 आर पे बी जो है वो यहाँ पे पाया जाएगा, तो कितने किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर पे। तो 6 किलोमीटर इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, इस ग्राफ में हाउ फार डिड ए ट्रेवल बिटवीन द टाइम इट पास्ट कार बी एंड सी। वो कह रहा है कि ए ने कितनी दूरी ट्रेवल की जब उसने सी को क्रॉस किया, फिर उसने बी को क्रॉस किया। तो जब ए ने सी को क्रॉस किया तो दूरी क्या थी, 9 किलोमीटर, और जब ए ने बी को क्रॉस किया तो दूरी क्या थी, 12 किलोमीटर। तो यानी कि 12 किलोमीटर और 9 किलोमीटर पे क्रॉसिंग हुई है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी रहेगी इनकी जब ये क्रॉस करेंगे ए और सी को। किया का मतलब है ये डिस्टेंस बराबर है, और वो डिस्टेंस है कितना, 9 किलोमीटर है। तो मुझे पता है कि 9 किलोमीटर पे क्रॉसिंग हो रही है, मुझे पता है कि 12 किलोमीटर क्रॉसिंग हो रही है। तो एक 9 किलोमीटर पे ओवरटेक कर रहा है, एक 12 पे ओवरटेक कर रहा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस 3 किलोमीटर। आप इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाओगे, इसमें नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है, सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है सी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब सी में से ए की वेलोसिटी माइनस। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, पहले सी की वेलोसिटी निकाल लो। सी की वेलोसिटी क्या होगी, इसके स्लोप निकाल लो, दिस अपॉन दिस। ए की स्लोप क्या होगी, दिस अपॉन दिस। तो सी की स्लोप आ गई, ए की स्लोप आ गई, इनकी वेलोसिटीज आ गई, और आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है सी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो सी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दें, 12 में से 5 गया तो आंसर 7 किलोमीटर पर आर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो क्या करेंगे, बी विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब बी की वेलोसिटी में से सी की वेलोसिटी को
माइनस कर देंगे। यही तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू सी का, मतलब बी की वेलोसिटी में से सी की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो बी की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, स्लोप निकाल लें। ये मान लो कोई भी ट्राइंगल ले लें बी का, जैसे मान लो ये ट्राइंगल ले लें, ये बी का ट्राइंगल है, तो बी के ट्राइंगल में से दिस, ये जो हाइट है इस पर यह हाइट डिवाइड कर दें, तो बी की वेलोसिटी आ गई। बी की वेलोसिटी आ गई, सी की वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है स्लोप से, तो फिर बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है, तो बी सी को माइनस करना है, बी में से सी को माइनस करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब बी की वेलोसिटी में से सी की वेलोसिटी को माइनस, तो बी की वेलोसिटी में से सी की वेलोसिटी माइनस, आंसर माइनस आते आने दो, कोई चक्कर नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एन इंसेक्ट, अच्छा ओ सॉरी 2-10 आना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किया ट्राई। देखो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, बेसिकली इसमें क्या है, रंकट वाले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा था। ये कैसे चल रहा था, इसमें ये गिवन है कि इंसेक्ट है वो क्रॉल कर रहा है 5 सेंटीमीटर ऊपर 1 मिनट में। तो ये क्वेश्चन नहीं है 5 स्टेप 5 मिनट वाला नहीं है, 5 स्टेप पूरा 1 मिनट में। तो आप 1 मिनट को ब्रेक नहीं कर सकते, 1 मिनट आपका टाइमर चलेगा चलेगा, 5 स्टेप आगे उसे जाने जाना है, और अगले 1 मिनट में वो 3 स्टेप पीछे आता है। तो 5 आगे 3 पीछे 5 आगे 3 पीछे 5 आगे 3 पीछे, 1-1 मिनट ऐड करते जाओ। तो वो ये पूछ रहा है अगर ऐसा चलता जाए तो हाउ लॉन्ग विल द इंसेक्ट टेक टू रीच अ क्रिवाइस इन द वॉल, मतलब एक होल है उसके अंदर उसको एंटर करना है, और वो होल कहाँ पर है, 24 सेंटीमीटर पे है। तो 24 सेंटीमीटर के अंदर उसको एंट्री करनी है, समय लेना है। मुझे एक बात बताओ कि नेट डिस्टेंस 2 मिनट में कितना ट्रेवल हुआ, 1 मिनट में 5 आगे गया, अगले 1 मिनट में 3 पीछे आया, तो नेट कितना हुआ 2। तो यानी कि 2 मिनट में तो वो 2 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा, 20 मिनट में, है ना। 2 अगर इतने मिनट में, तो 1 मिनट में नेट 1 मिनट रहे, तो यानी कि 20 मिनट के अंदर वो 20 सेंटीमीटर कवर कर देगा। पर अपने को कहाँ जाना है, 24 पे। अब 20 मिनट तो हो चुके हैं, जैसे ही अगला 1 मिनट होगा तो इंसेक्ट 5 स्टेप आगे चला जाएगा 25 पे, और वो गिरी जाएगा, है ना। 25 की बात अगर करते हो तो 24 पे गिरना है, 24 पे गिरी जाएगा, लेकिन 1 मिनट काउंट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट ब्रेक 1 मिनट। नहीं तो होता क्या, 1 मिनट से कम 1 स्टेप डाउन करना चाहिए था हमें, पर हमें उसके इंसेक्ट की चलने की स्पीड थोड़ा पता है, वो तेज चल रहा है स्लो चल रहा है कैसे एक्सीलेट कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए हम डिटेल में ना जाते हुए हम उसमें 1 मिनट ऐड कर देंगे टाइमर में, और 1 मिनट के अंदर अंदर वो गिरने वाला है। तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें, 21 मिनट लिख देंगे। फिर वो कह रहा है एक्सटी ग्राफ प्लॉट करो, तो मैंने टी और एक्स बना लिया। जब टाइम 0 है तो इंसेक्ट 0 पे है, जब टाइम 1 मिनट है तो 5 आगे, अगले 1 मिनट में 3 पीछे, अगले 1 मिनट में 5 आगे, अगले 1 मिनट में 3 पीछे, अगले 1 मिनट में 5 आगे, नेक्स्ट 1 मिनट में 3 पीछे। तो ऐसे मैं बनाता गया। किसने कहा सर कितना कहाँ तक बनाना है, मेरे पास ना पेज था, अच्छा नहीं लगता मैं आधा पेज को यूज़ करूँ, तो मैंने ज़्यादा रीडिंग ले ली। आप 500 रीडिंग पे इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, तो पहले आगे फिर पीछे फिर आगे, ऐसे बनेगा, ज़िगज़ैग बनेगा, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, जैसे रंकड़ वाले क्वेश्चन में बना था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करना है, तो खुद बना लेना एक्सटी ग्राफ को प्लॉट करना है। देखो 20 मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया 20 सेंटीमीटर कर लिया, अब अगला 1 मिनट जैसे ही होगा तो 25 पे पहुंच जाएगा, पर 24 पे तो गिरी जाएगा वो। तो 1 मिनट मैंने तो ऐड कर देना है, है ना। आप कहोगे सर 1 मिनट में 25 पे पहुंचता हो, 24 पे गिर गया, तो 21 मिनट से कम टाइम पे गिरा होगा ना, पर हम 21 ही लिखेंगे क्योंकि टाइमर हमारे पास चलने का 1 मिनट ही है, 1 मिनट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये कह रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज दी ब्रेक्स एंड डी एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है 52 किलोमीटर पर आवर है और वो ब्रेक लगाता है, कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार रुकती है। एक और ड्राइवर है 34 किलोमीटर पर आवर, वो स्लो करता है और 10 सेकंड में रुक जाता है। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम, और वो कह रहे ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर ब्रेक्स फॉर अप्लाइड, कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो अब चेक करो 52 और 34, तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। ये स्टार्ट हुआ 50 कहाँ से, 52 से स्टार्ट हुआ और रुक गया,
ये कहां से स्टार्ट हुआ, 34 से स्टार्ट हुआ और ये जाके रुक गया, कहां रुका, ये 10 सेकंड पे, ये कहां रुका, 5 सेकंड पे, सेकंड पे गिवन है ना। और क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इसमें एरिया निकालेंगे, ये एरिया कार वन का क्या देगा आपको, डिस्टेंस, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस दे रहा है, और ऐसे ये भी क्या देगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है एरिया कार टू का ज्यादा आ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कार टू का ज्यादा होगा, ठीक। और डिस्टेंस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया हुआ है, मैंने क्लास में भी करवाया था कि एक बॉडी एक्सेलरेट करती है, फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे जाती है, फिर रिटार्ड करती है, तो आपको टोटल टाइम बताना है पूरी जर्नी का क्या होगा। लेकिन मैंने आपको भी इक्वेशन ऑफ मोशन से करके दिखाया था, आपको याद होगा क्लास में लाइन खींची थी ए बी बी सी सी डी, लेकिन इस बार मैंने ये क्वेश्चन ना ग्राफिकल करके दिखाया है। मेथड देखो आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, पर इस बार इस क्वेश्चन को ग्राफिकल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें ऐसे करके दिखाया है कि मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करें, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता है, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड आ जाती है 8 सेकेंड में। इफ इट मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 32 मीटर, के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 32 मीटर आफ्टर रिटार्डेशन। तो मतलब अगर इस ग्राफ को यहाँ प्लॉट करूँ तो 0 से 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है, कितनी देर के लिए, 8 सेकेंड के लिए, फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ गाड़ी चलती है 8 8 8 के साथ, फिर रिटार्ड करती है, और रिटार्डेशन से वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और ये डिस्टेंस कवर्ड गिवन है क्वेश्चन में 32 मीटर, 32 मीटर्स, और आधा आपको टोटल डिस्टेंस भी गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, 464 मीटर, 464 मीटर, राइट, क्लियर है यहां तक। तो इसमें आपको टाइम बताना है टोटल क्या होगा, आपको यहां का टाइम तो पता है 8 सेकेंड, मैं यहां का टाइम निकाल सकता हूं क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 32 मीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 32 t' भी आ गया, कुछ किया ही नहीं, 1 सेकंड में t' आ गया। देखो तो एक काम करेंगे, सबसे पहले टोटल एरिया निकाल लेते तीनों फिगर्स का मिला के, दिस प्लस दिस प्लस दिस, रादर इसका एरिया जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही 32 मीटर है। तो पहले ट्राइंगल टोटल एरिया कितना है, 464 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 8 इंटू 8, प्लस यहां पे क्या 8 इंटू t प्लस 32, तो टोटल एरिया 464, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, और इसका एरिया तो गिवन है, डिस्प्लेसमेंट 32 है, तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम टी की वैल्यू यहां पे, टोटल मींस कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम 1 मिनट में आ गया, कितना, 50 सेकेंड। अब आखिरी एरिया 32 है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आखिरी एरिया 32 है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से टी डैश आ गया। अब टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम में 8 सेकेंड है, टी की वैल्यू हमने निकाल ली है 50 सेकेंड है, आखिरी इंटरवल का टाइम 8 सेकेंड है, ऐड करके 66 सेकेंड है। तो ये भी सही तरीका है, ग्राफ से 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उल्टा रादर छोटा तरीका है ये, मैंने आपको कहा था जैसे मर्जी करो, इक्वेशन से करो, ग्राफ करो, कैसे भी करो, आंसर दोनों तरफ से सही आएगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ कार एक्सलरेट यूनिफॉर्मली विथ 3 m/s² फॉर 5 सेकेंड, तो एक्सलेशन है 5 सेकेंड के लिए बॉडी एक्सलेट करती है, एंड देन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन अप टू 7 सेकेंड, तो कितने डिस्टेंसेस कवर करती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज गिवन बाय कैसे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो मैंने टाइम यहां वैल्यू पुट नहीं की, तो एक्सेलेरेशन मेरे को पता है 3 सेकेंड, 3 m/s² है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने टाइम यूज यूज किया 0 1 2 3 4 5 6 7 कर रहा हूं मैं, इसके अंदर जब मैंने डिस्टेंसेज निकाले टाइम को 0 1 2 3 पुट, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि 5 सेकेंड तक, जब मैंने प्लॉटिंग स्टार्ट की तो 5 सेकेंड तक तो मुझे पैराबोला बनाना पड़ा, उसके बाद ये प्लॉटिंग है वो स्ट्रेट लाइन की हुई, क्यों, क्योंकि ग्राफ किसका बना, ग्राफ बना एक्सटी का। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, रेड लाइन कांस्टेंट है,
पर ब्लू लाइन पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ, उसका रीजन हमने एक चीज की थी कि अगर हम इसकी स्लोप निकाल लें, अगर आपको याद होगा इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लें तो ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लें तो ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल तो ये, आप देख रहे हो टेंजेंट, देखो इधर इधर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो वेलोसिटी की स्लोप बढ़ती जा रही है। देखो मेरे पेन की स्लोप बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और हम भी तो वही बोल रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कांस्टेंट रेट के साथ, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब टेंजेंट का ऊपर 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 जाना, स्लोप का बढ़ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ना, तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा ऐसे केस में, पैराबोला ग्राफ बनेगा। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर मान लो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मान लो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन के बनो कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है देर इज सम एक्सलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन है, तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैं इसका वी टी ग्राफ ड्रॉ करूं तो वी टी ग्राफ कुछ ऐसा आ सकता है स्ट्रेट लाइन, तो क्यों? क्योंकि मेरे को स्लोप क्या रखनी है, कॉन्स्टेंट, और स्लोप की वैल्यू होती क्या है, एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक? और इसमें अगर मैं बात करता हूं एक्स टी ग्राफ की, तो एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या देगी, एक्स टी ग्राफ की स्लोप तो वेलोसिटी देगी, तो इसका ग्राफ ना ऐसा पैराबोला ड्रॉ करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि ये देखो इस पॉइंट की स्लोप यहां की टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट है, स्लोप बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ऐसा पैराबोला ग्राफ बनता है, ठीक है यहां तक? इसीलिए उसने पहले पैराबोला बनाया फिर स्ट्रेट कर दिया। वी टी ग्राफ में एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा ऐसा बन सकता है, कुछ भी चेंज हो रही है एक्सलेशन, पैराबोला बन सकता है, एक्सलेशन चेंज हो रही है, होने तो पता नहीं, जैसे गाड़ी चलाओगे वैसा ग्राफ है, फिक्स नहीं है, ठीक। तो ये ग्राफ है, नेक्स्ट ये तो मेरे ख्याल से सिंपल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था, एरिया से आ जाएगा, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कितने लोगों ने सारे पार्ट्स कर लिए इसके? दिया नहीं था, कर लो, देखो जरा क्या क्वेश्चन है।
तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्लीज आगे देखो, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ना ये पढ़ा करो कि ग्राफ है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है। कितने लोग देखते पहचान पा रहे हैं कि स्कूटर और कार यहां पर ओवरटेकिंग हो रही है, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं हो रही, हो ही नहीं रही, क्योंकि वो क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस अगर वो एक्सटी ग्राफ में करें, क्रॉस अगर वो एक्सटी ग्राफ में करें तो एक्स सेम माना जाता है तो ओवरटेकिंग है। यहां पे वेलोसिटी इक्वल है, देखो कम से कम ये तो बात मानते हो कि वीटी ग्राफ में जब ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो ये ओवरटेकिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा कितने लोग मुझे बता सकते हैं ग्राफ देखते हुए ओवरटेकिंग कितने समय पे हो रही है, दिख रहे नहीं दिख रहा? 15 पे आपको लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं ओवरटेकिंग है। मुझे ये बताओ ओवरटेकिंग देख पा रहे हो इसमें? नहीं देख पा रहे तो बिल्कुल नॉर्मल हो आप, ठीक है ही नहीं इसमें, देख ही नहीं सकते तुम गाड़ी। मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरी गाड़ी 60 की स्पीड पे, तुम्हारी गाड़ी 40 की स्पीड पे, बोलो वैल्यू से बताओ ओवरटेकिंग कब होगी। तुम कहोगे मेरे को क्या पता ओवरटेकिंग कब होगी, 10 किलोमीटर पे होगी कि 20 पे होगी, मुझे क्या पता कब होगी। तुम नहीं बता सकते, एक्सटी ग्राफ में तुम बता सकते हो क्योंकि एक्स सेम हो जाता है, तो जब मीटर सेम हो जाते हैं तो ओवरटेकिंग वहीं पर होगी, फर्क पता लग रहा है। वीटी ग्राफ देखते ही वो फंसाएगा फंसाएगा आपको, देगा ही वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ देखते ही बिल्कुल भी नहीं आंसर देना ओवरटेकिंग का। अब चलो ग्राफ एनालिसिस करते हैं। ग्राफ ये कह रहा है कि जैसी एक कार जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन अ डायरेक्शन, अ स्कूटर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओवरटेक्स द कार। कह रहे जी जो कार है वो तो रेस्ट से स्टार्ट हुई, 0, 1, 2, 3, 4 वेलोसिटी बढ़ाएगी, जो स्कूटर वाला है वो तो फटाफट आया और 30 की स्पीड के साथ उसको क्रॉस कर गया और कांस्टेंट स्पीड 30 से भागता जा रहा है। तो स्कूटर का ग्राफ तो ये बन गया, कार का ग्राफ कैसे बना के दे रहा है वो, पहले कार की वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, कभी ना कभी 30 भी होगी। यार जब दोनों चले थे तब स्कूटर 30 पे था, कार अब जाके 30 पे आई, ओवरटेकिंग हो ही नहीं सकती। ओवरटेकिंग के लिए तो उसको वेलोसिटी 30 से भी ज्यादा करनी पड़ेगी तब ओवरटेकिंग होगी। तो इसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया 30 से भी ज्यादा, 45 किया, फिर 45 के साथ चलती जा रही है। अब 45 के बाद चलती जाने का मतलब पता नहीं कब ओवरटेकिंग होगी, पर ओवरटेकिंग हो जाएगी बात पक्की है, क्योंकि कार की वेलोसिटी स्कूटर से तो ज्यादा है। ग्राफ समझ में आ रहा है? अब पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डिफरेंस बता दो। तो 15 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ट्राइंगल का एरिया, और स्कूटर ने कितना ट्रेवल किया इस रेक्टेंगल का एरिया, ये रहा, यानी कि 30 × 15। तो कार का डिस्टेंस निकाल लो 15 सेकंड में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्कूटर का निकाल लो एल इंटू बी, तो दोनों को माइनस कर दो तो 15 सेकंड पे उनमें में अभी भी दूरी है 112.5 की, यानी कि ओवरटेकिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्टेंस दोनों का बराबर है ही नहीं। तो अभी स्कूटर वाला अभी भी आगे है, कार वाला अभी भी पीछे है 112.5 मीटर। पहला स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? 15 सेकंड तक ओवरटेकिंग नहीं हुई, 15 सेकंड के बाद ओवरटेकिंग होनी है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि बताओ कितने समय पे ओवरटेकिंग हुई, ये क्वेश्चन है, टाइम बताओ कब ओवरटेकिंग हुई। अब ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम क्या आपने पहले कोई की हुई है? रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन ने साइक्लिस्ट को ओवरटेक किया था लास्ट लेक्चर में, सेम प्रॉब्लम बन गई। अब ये कैसे बन गई? सेम प्रॉब्लम ऐसे बनी कि देखो अब पीछे कौन चल रही है, कार, और ये कौन है, ये स्कूटर, तो और इनके बीच में दूरी कितनी है 112.5 मीटर की। तो कार ने इनके बीच में 112.5 मीटर को ओवरटेक करना है, एंड व्हेन बोथ द कार्स एंड स्कूटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इनकी वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम टू ओवरटेक पता है क्या आएगा, 112.5 को कार एंड स्कूटर की वेलोसिटी से माइनस करके डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि कार स्कूटर को तब ओवरटेक करेगी जब वो ये मानेगी कि स्कूटर रुका हुआ है और कार उसको ओवरटेक कर रही है, और जब रोकने का कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? वो तो उनकी रिलेटिव डिस्टेंस है,
उसको नहीं, 15 सेकंड पे ये सिचुएशन थी, ये 15 सेकंड तक निकाल लिया मैंने, 15 सेकंड में इतनी दूरी थी, अब 15 सेकंड के ऊपर जो टाइम लगेगा उसमें ओवरटेकिंग होएगी, उसमें 15 सेकंड में ये टाइम ऐड होगा। तो यानी कि सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा रिलेटिव वेलोसिटी, 15 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी है 45, इसकी वेलोसिटी कितनी है 30, 45 में से 30, ये 30 है करेक्शन है, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 15, तो इसको 15 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 7.5 सेकेंड और टाइम लगेगा 15 सेकेंड के बाद ओवरटेकिंग के लिए, तो शुरू से कितना टाइम लगा 15 प्लस 7.5, 22.5 सेकेंड में ओवरटेकिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ठीक है यहाँ तक लास्ट देखो, 15 सेकंड तक तो ओवरटेकिंग नहीं हुई थी, ये 112 मीटर 15 सेकंड के बाद ओवरटेकिंग है, तो टाइम में 15 सेकंड तो टाइम हो चुका था ना, 15 सेकंड के ऊपर 112 कवर करने में 7.5 टाइम लगा, तो शुरू से कितना लगा 15 प्लस 7.5। ठीक, अब अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि इसको देखते हुए कि डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, जब ओवरटेकिंग हुई 100 कितने सेकंड पे हुई है 22.5 पे, तो डिस्टेंस कितना कवर किया कार या स्कूटर ने, देखो स्कूटर का डिस्टेंस बड़ा आसान है निकालना, सीधा रेक्टेंगल बनाता है स्कूटर, तो एक काम क्यों नहीं करते 22.5 की मार्किंग कर लो यहाँ पे, 22.5, 22.5 तक का एरिया कैलकुलेट कर दो, 30 × 22.5, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर आ गया, तो कार का डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम ही तो होगा, कार स्कूटर का डिस्टेंस सेम है क्योंकि ओवरटेकिंग हो रही है, तो डिस्टेंस तो सेम ही होंगे, तो आप कार स्कूटर का निकाल दो आंसर, तो इस इंस्टेंट पर इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है स्कूटर, इसी में ठीक है, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लिया, एक्चुअली ग्राफ का क्वेश्चन तो ग्राफ से सोच लिया। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एज शोन, ये रहा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी 0 to 5 सेकेंड, ठीक है, तो एरिया निकाल दो 0 से 5 का, 0 to 10 सेकेंड में टोटल एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।